को तबाह कर दिया। ये इतना बड़ा कारनामा उसने अंजाम दिया है कि कोई आदमी इसको अंजाम नहीं देता था। ये ताईद गैबी थी, अल्लाह की तरफ से अमेरिका पर अजाब नाज़िल हुआ है। और अभी भी एक छोटा सा पाउडर है, उस छोटे से पाउडर से सारी अमेरिकी कौम घबरा रही है। और घबराने के बाद ऐसी शक्लें उनकी बन गई मालूम होता है जैसे कोई बंदर आ रहा है। लोग, मैंने एक ताज्जुब से पूछा, टेलीविजन पे देख रहे थे अभी हम थोड़े दिन पहले, मैंने कहा ये क्या किस्सा है, ये क्या चीज़ है? कहने लगे आपने देखा नहीं गौर से? मैंने कहा बताओ भाई क्या है ये? ये आदमी है। कहा ये आदमी है, मास्क पहना हुआ है। अब अमेरिका में बहुत से लोग मास्क पहनने लगे, वो मास्क ऐसा मालूम होता है जैसे बंदर आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके चेहरों पर लानत भेज दी। और एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या नाम लिया? एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जो है ये पाउडर जो है नफसियाती तौर पर पूरी कौम मरीज बन गई। अमेरिका का प्रेसिडेंट वो कहता है मैं सलीबी जंग लड़ूंगा। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हुआ, क्या अमेरिका सलीबी जंग लड़ेगा? बहादुर रात को 12 बजे उड़ते हो बमबारी करके ऊपर ही ऊपर से भाग जाते हो, वो कह रहे हैं भाई जमीन पर आओ, चोरों डाकुओं जमीन पर आओ, कातिलों जमीन पर आओ, इतने बहादुर जमीन पर नहीं आ रहे, साजिशें कर रहे हैं। ये इतने बहादुर हैं, ये दावे करते थे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो है ही है अपनी जगह पर। हमारी वजारत दिफा पेंटागन इतना इतना मजबूत किला है कि परिंदा पर नहीं मार सकता। अल्लाह अकबर। बाज़ पढ़े लिखे भी यहाँ बहुत मरगूब होते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन देखो परिंदा नहीं चरिंदा था। हवाई जहाज़ ने टकरा कर ये बता दिया कि बच्चा जबूरा, अंकल साम, शैतान, तुम खबीस अपनी वजारत दिफा का दिफा नहीं कर सकते। और क्या कर सकते? वजारत दिफा का दिफा नहीं कर सका अमेरिका। कितनी हैरत की बात है ये अल्लाह का फजल था। अल्लाह ताला को उनका गुरूर सरे गुरूर खाक में मिलाना था। अब यही सरे गुरूर इंशाल्लाह उसी तरह खाक में मिलेगा अफगानिस्तान में, जिस तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह हुआ है, पेंटागन वजारत दिफा तबाह हुई है। इंशाअल्लाह ये सदी, मेरे प्यारे भाई यकीन रखो, अल्लाह की जात पर यकीन रखो, रसूलुल्लाह के फरमान पर यकीन रखो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको चुन लिया, जब तुम जिहाद के लिए खड़े हो गए तो यकीन रख लो कि ये सदी मुसलमानों के गलबे की सदी है, ये सदी मुसलमानों की सदी है। और इस सदी में इंशाअल्लाह, पिछली सदी में रूस टुकड़े हुआ और इंशाअल्लाह इस सदी में भी अमेरिका टुकड़े होकर रहेगा, भारत भी टुकड़े होकर रहेगा। और आलम इस्लाम का ये किला, इस किले के तुम सिपाही हो, इस किले का मैं भी एक चौकीदार हूं। हम चौकीदार हैं, चौकीदार आपको खबरदार कर रहा है, आप मुहाफिज हैं सब, हम चौकीदार हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इस किले पर अब अमेरिका की नजरें हैं, इसमें दरारें मत पड़ने दो। अमेरिकन फौजी अपनी साजिशों के जरिए से, अमेरिका अपनी साथ, बरतानिया अपनी साजिशों के जरिए से हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों की एटमी कुव्वत को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। हमारी फौज मौजूद है इंशाअल्लाह, फौज भी है। अब खड़े हो और अदब से, अब खड़े हो और अदब से सलातो सलाम का नजराना पेश करो। आजा, 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 आज